नमस्कार। हरियाणा की रोहतक जेल में रेप एंड मर्डर मामले में उम्र कैद की सजा काट रहे डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को पैरोल मिल गई है। गुरमीत को शुक्रवार को रोहतक की सोनारिया जेल से कड़ी सुरक्षा में गुरुग्राम ले जाया गया। हालांकि यह साफ नहीं हो पाया है कि गुरुग्राम में गुरमीत को कहाँ रखा गया है और उसे पैरोल भी कितने दिन की मिली है। सूत्रों की माने तो गुरमीत की माँ भी उनसे मुलाकात करने वहाँ पहुँचेगी। सूत्रों के हवाले से यह भी खबर मिल रही है कि राम रहीम ने 17 मई को सोनारिया जेल सुप्रिटेंडेंट सुनील सावगान को पैरोल के लिए आवेदन किया था। इससे 6 दिन पहले ही राम रहीम की तबीयत बिगड़ने पर उसे PGI रोहतक में भर्ती कराया गया था, लेकिन यहाँ गुरमीत ने परिवार वालों और हनीप्रीत से मिलने के लिए जिद की थी और PGI के मेडिकल बोर्ड ने उसके स्वास्थ्य की जाँच करने के बाद उसे वापस जेल भेज दिया था। राम रहीम पहले भी कई बार पैरोल के लिए अर्जी लगा चुका था, जो हर बार सुरक्षा कारणों के चलते खारिज हो जाती थी। हालांकि पिछले साल राम रहीम की मां की तबीयत बिगड़ने पर मेदांता गुरुग्राम में दाखिल हुई थी और उस वक्त राम रहीम को एक दिन की पैरोल गुपचुप तरीके से दी गई। उसे मां से मिलवाने के लिए मेदांता ले जाया गया, लेकिन इस पर हरियाणा सरकार की काफ़ी किरकिरी हुई थी। वही आपको बता दें, गुरमीत राम रहीम को 2 साधुओं से दुष्कर्म मामले में 20 साल की सज़ा मिली हुई है। पत्रकार के हत्या मामले में वह उम्र कैद की सज़ा काट रहा है। उसे 20 अगस्त 2017 को पंचकुला की अदालत में पेश किया गया था। CBI की विशेष अदालत ने दोषी करार देते उसे सोनारिया जिला जेल शिफ्ट किया था। 27 अगस्त 2017 को जेल में ही CBI की अदालत लगाई गई और इसी दिन उसकी सज़ा तय हुई, तभी से वह लगातार जेल में है। लेकिन अब सूत्रों के हवाले से यह खबर मिल रही है कि अब गुरमीत राम रहीम को पैरोल मिली है, लेकिन यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि उसे पैरोल कितने दिन के मिली है।